कौन है? सो गाइस, वन एंड ओनली हिटलर फादर इज बैक। आइए हिटलर फादर जी, उतरी। ये मुंह इतना सूजा हुआ क्यों है? अच्छा, सूजा हुआ नहीं है, इसमें भी सूजा हुआ। ओहो, कितनी गंदी चाय बनाई है मैंने। शुक्र है भगवान का, खुद नहीं बनाई है, नहीं तो भी डायलॉग मारती मेरे लिए। अपने लिए भी मारती हूँ मम्मी मैं तो, जब नहीं बनती अच्छी। अपने लिए कुछ भी मारो, दूसरे के लिए कैसे तुम मेहनत को बोल सकते हो? अब बंदा एक तुम्हारे लिए एक पैर पे नाच नाच के तुम्हें चाय बना के दे रहा है, खाना बना के दे रहा है, उसे तुम 2 सेकंड में टैग लगा देते हो इस चीज का, नमक ज्यादा है, नमक कम है, मोटा है, पतला है, घी नहीं लगाना, चाय में सौंफ नहीं डालनी, चाय में लेमन ग्रास नहीं डालनी। वो तो अपना टेस्ट बताते हैं कि मत डालना। हाँ, तो मतलब हम यही करते रहे बस, ड्यूटी तुम्हारी। मैंने कर ली ना अपनी ड्यूटी खुद। और सब नॉर्मल सब्जियां खाओ, और मुंह से ये फूट के बताना कि ये बना दो, ये मत कहना कुछ भी बना दो। कुछ भी बनाना मुझे नहीं आता, सब्जी का नाम बता देना, एक ही बनाऊंगी सबके लिए। सो जाओगा? सो जाके क्यों सो जाऊं? आशु कह रहा था, कह रहा मुझे पराया कर दिया, बिल्कुल बताया नहीं चाचा की तबीयत का, निकू दिशा की तबीयत का। तो मैंने कहा क्या परेशान करना, नॉर्मल बुखार ही तो है, फिर सब है, निकू है तो करने के लिए। और वैसे भी 10-10 मिनट में ही तो ट्रिप चढ़ रही है हमें। हाँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी दवाइयाँ लेनी है सारी। इसको निकू मैंने गरारे करा दिए हैं। हाँ, आपने मेरे को हाथ पकड़ के कराया ना, गरारे बोल बोल के तो कराया कि गरारे कर ले, तू करने वाली थी। जिस दिन नहीं करने होते ना, वो 50 बार बोलने के बाद भी ना करे। पैसे पैसे काटे हैं मैंने इस गरारे की बोतल में। हाँ, पैसे लगे हमारे। मुझे लग रहा है बस मम्मी तुम ही हेल्दी एंड फिट हुए जा रही हो। मैं भैया बिल्कुल परफेक्ट खा रही हूँ, परफेक्ट अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ अपनी एज के अकॉर्डिंग, तो इसलिए परफेक्ट हूँ। इंस्पिरेशन गाइस, अम्मा के यहाँ से ले आए हैं नेबुलाइजर। दीक्षा दवाई ले ले, सुबह की दवाई को तूने दोपहर कर दी, रात शाम की दवाई कब लेगी? रात को बिल्कुल हिल के राजी नहीं है। कभी ताने का वीडियो हुआ, कभी सोनी का वीडियो हुआ, थक गई हूँ मैं बता बता के, मेरी तबीयत कैसी, बोल बोल के और तबीयत खराब हो जाए सबको बता बता के। फ्रेंड्स, मेरी लड़की जिंदगी भर नहीं सुधरेगी। आप ये बताओ, सुबह जो दवाई 8-9 बजे लेनी थी 2 बजे ले रही है ये, और रात की दवाई कब लेगी आप बताओ मेरे को? शाम की दवाई दीक्षा, तेरी रात की दवाई मैंने कैबिनेट पे रखी, पैरों में पड़ी हुई थी, पता नहीं तू दवाइयों का क्या कर रही है, कैबिनेट पे रखी है मैंने। मम्मी पता है मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा मैसी चल रहा है, जीवन ही मैसी चल रहा है मेरा। दो या रो पीट के दवाइयाँ लेगी। सुनो, दवाई को पता चल रहा है कि मैं सुबह ले रही हूँ या रात को ले रही हूँ, दोपहर को ले रही हूँ, दोपहर को ले लेते हैं फिर उतना गैप करके रात को ले लेंगे। बताओ, तुम्हारा तरीके सही है भैया दवाई लेने के? गलत बोला हो तो आप बताओ। तुम्हारे यहाँ तो डॉक्टरों को भी हमें बेकार में रुपए फूक रहे हैं हम तो, तुम्हारा लखन ना सुधरा कभी भी जिंदगी में। माँ बेटा है ना, माँ बेटा लगे हुए सेवा बेचारे, हम माँ बेटा मरे पड़े तुम्हारे चक्करों में सेवा में। ओ, ये मैंने 2 सेम खोल ली क्या दवाई, इतनी दिखी दिखने में। ये नहीं खोल ली थी पागल। ओहो, ये सुबह की ले रही अभी तो। हाँ, ये पत्ते सेवा कल ही पैक करा जल्दी, सुबह तो आया था, ये रात को ले ली, ये वाली खुली हुई है। ठीक है, तो अभी बस ये 2 लेनी है। कहाँ पे और दवाई है, कहाँ पर है? बस यही थी, एक दवाई पता है पैरों में पड़ी थी, मैं उठा के लेके आई हूँ उसकी। ये खाली पेट है, ये रात की है, वो एलर्जी की रात वाली, पैरों में पड़ी थी उठा लाए ना, माँ के फर्ज निभा रहे हो ना। मैं ये कह रही हूँ अगर वो मुझे ना मिलती तो वो पैरों में जाकर तुम्हें पता भी नहीं होता, दवाई खानी भी है। एक चैलेंज है आपके लिए, वहां से फेंको, मेरे मुंह के अंदर जानी चाहिए। अच्छा चलो फेंको। पता कितनी महंगी है, खा ले इसको। कितनी महंगी है, यूं बाप का नोट धुआं कर रखा है। धुआं धुआं ऐसे धुआं नहीं कर रखा ना, ऐसी तो कर रखा है। गरारे कर लिए, 3 टाइम गरारे करने थे, 3 टाइम नहीं करने, 3 टाइम लिखो। सेम शादी में मैं गई, सेम शादी में ये गए, सारे बीमार पड़ गए, क्या करके आए ये। क्यों हांड तो कल भी मना कर था, मत जा हांडेंगे, हिलाया पहले सिर्फ। हाँ
जिसको अकल नहीं आ सकती तो किसको सिखा रहा अकल। एक मेरा भाई काम का लगता है मुझे तो, मेरा छोरा इंटेलिजेंट कैसे है वैसे? ना समझदार होता तो मेरी जिंदगी की तो कैसे नैया पार होती है। सच में मम्मी तुम्हारा अगर छोरा ना होता सर फोड़ रहे थे आपस में, क्या ही होता तुम्हारा। पढ़ रहे हैं कोई नहीं कर रहा। अब देख कल रात को मैंने कपड़े रख दिए, देख वो रखे हुए कल रात से एज इट इज, क्योंकि किसी ने रखे। अरे सुबह से फुर्सत मिली भाई, तू क्या कह रहा है? सुबह से कंटिन्यू लगी पड़ी हूँ मैं काम में, आधे घंटे से बैठी हूँ काम में लगी हूँ मैं, खुद कंटिन्यूअसली उठती काम में लगी हुई हूँ। तू तो रह रहे देख खाना खाया है बस, बहुत बड़े काम कर रहे तुम तो। गार्गल की है सब, तीन जनों के लिए तीन सब्जी बनाई है मैंने, अलग सबको इन्फॉर्मेशन दी है कि किसको क्या हुआ है, सारा काम किया है मैंने। बेफालतू के काम किया तूने ये। चार बजे एक बार स्टीम दे देना पापा को, याद से याद दिला देना, इसमें निप्लाइजर लेना 4 बजे। ठीक है, दवाई डली हुई है? दवाई डाली अभी, पापा वी वाली ले रहे हैं, दो मिक्स करके ली है अभी, तो 4 बजे नॉर्मल लेनी है फिर। सो गाइस हिटलर फादर की अंदर चल रही है क्या बोलते हैं निप्लाइजर गोइंग ऑन। सो गाइस टाइम हो रहा है 4:20, अभी सब सो रहे हैं। भावेश ने कॉल किया था कि 4:30 पापा को उठाना है और निप्लाइजर देना है, तो अभी 10 मिनट है जब तक मैं सोचूं कि मैं नहा लूं। एंड चंचदी मुझे बुला रही है चाय पे, क्योंकि जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम का आप लोगों को बताया था तो मैंने उनसे डिस्कस किया, तो उनके नोन में कोई है डिजिटल मार्केटर नहीं, कौन है पता नहीं, तो एक बार पूछूंगी अगर कुछ हो सकता है तो 10-15 मिनट उनके यहाँ चाय पीऊँगी, डिस्कस करूँगी और फिर एरोबिक्स भी जाऊंगी आज। गाइस जा रही हूँ हिटलर फादर और नकुल दोनों को ट्रिप चढ़वाने, तो आज नकुल भी चढ़वा रहा है ताकि वो भी बेटर हो जाए। मुझे लग रहा है कि ट्रिप ही चल रहा है गोयल फैमिली में और कुछ नहीं चल रहा, कभी किसी को ट्रिप चढ़ रही है तो कभी किसी को ट्रिप चढ़ रही है। और 6:30 नकुल और हिटलर फादर को लेके आई हूँ, अगर क्लास के लिए लेट हो गई तो फिर लेट चली जाऊँगी या जाऊँगी नहीं, देखते हैं क्या करूँगी। पीला ही है, मतलब पीला जिसका मतलब इन्फेक्शन चला गया इंजेक्शन। पीला अब 2 दिन से वाइट आ रहा है, मतलब एक दो दिन पहले पूरा येलो था और बहुत गाढ़ा था। अब लगता है अरे तेरे को टॉन्सिलाइटिस हो रही है, तुम सबको टॉन्सिलाइटिस रहते हैं क्या दिक्कत है? पता नहीं इस बार सबको ही दिक्कत हो जाता था। गोयल फैमिली का दूसरा घर बन गया है सावित्री हॉस्पिटल। डरना तो नहीं लगता लोगों को आधी रात रात को झूठे अगरबत्ती की धुआं से इन चीजों को दिक्कत रहेगी। मैं स्कूटी में रखना शुरू कर दिया लगा के जब घर में आती है ना आप जिम जा रहे हैं क्या करें, मजबूरी है यूज करनी। अब या तो मेरा शरीर देख लो या तुम मजबूरी देख लो, दो ही चीजें नहीं बीमारी बन गई है। नहीं ऐसे तो मेरे को भी परफ्यूम डस्ट से एलर्जी है, बट स्पेसिफिक परफ्यूम से, ऐसे हर परफ्यूम से मेरे को एलर्जी है। दीक्षा मेरी सारी नसें खत्म हो चुकी हैं, बंद कर दे, सही बता रहा हूँ, मान ले इस बात को। जब परफ्यूम नहीं चलते थे तब क्या लोग रोटी नहीं खाते थे? मैं सोच रही हूँ सारी चीजें परफ्यूम के ऊपर क्यों ब्लेम आ गया। मेरे को लगती है बहुत तेज लगता है, हैं सर मेरे को बहुत तेज लगता है, 15-20 नहीं होता है ये परफेक्ट बात है। अब वैसे आप झाड़ू भी निकालोगे ना घर में उसे भी आपको दिक्कत होने लग जाएगी। उतनी इतनी जितनी परफ्यूम परफ्यूम से फ्रेंड से पूछो मानती नहीं है बिल्कुल भी, किसी किसी को अगरबत्ती की दुआ से होता है और 40 परफ्यूम रखे हैं। नहीं मेरे को जब मना करते मैं तो लगाती ही हूं, मानती नहीं क्यों पीछे पड़ गए। मेरे को तो हर डस्ट एलर्जी है, मेरे को भी है ये तो, आपको भी है, उसको भविष्य बेटा को भी है, उसको भी तकलीफ रहती है। देखो तेरा फोन बज रहा है, पूरा हर्षविहार पूरा मेन मार्केट हमारा एरिया श्रीनगर लिस्ट निकाल दी। हाँ कुछ भी नहीं चल रहा, क्यों लाइट नहीं है? अच्छा एक बात और आपसे मैं पूछनी थी, नेबुलाइजर पापा को कितना टाइम देना है? बेटा लियो इनसे 4 टाइम नहीं वो तो ठीक है, डेज अभी तो 5 डेज लगो 5 डेज क्योंकि उन्होंने एक ही दिन का दिया मेरे को।